तुर्की के इस्तांबुल में अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला, हमले में 38 लोगों के मरने की खबर। अतातुर्क एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की तस्वीरें आई सामने, तेज धमाके के बाद एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। एयरपोर्ट पर तीन हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम, आत्मघाती हमला करते वीडियो में नजर आया हमलावर। तुर्की के प्रधानमंत्री के मुताबिक हमले के पीछे आईएसआईएस के आतंकियों का हाथ, एयरपोर्ट पर वीडियो में कैद भी हमलावरों की तस्वीरें। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के दौरान दो हमलावरों ने आत्मघाती धमाका किया, हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत। एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में 120 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर, हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे हजारों लोग। हमलावर AK-47 से बरसा रहे थे एयरपोर्ट पर गोलियां, आत्मघाती हमले के बाद एयरपोर्ट पर गिरी दिखी एक AK-47 राइफल। इस्तांबुल प्रांत के गवर्नर के मुताबिक एयरपोर्ट पर हमले में तीन हमलावरों के शामिल होने की आशंका, तीन धमाकों की सुनी गई आवाज। हमले के बाद एयरपोर्ट को किया गया सील, एयरपोर्ट से उड़ानों की आवाजाही रद्द। यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है अतातुर्क एयरपोर्ट, सालाना करीब 6 करोड़ लोग यहां से करते हैं सफर। मेरठ के कंकड़खेड़ा इलाके में पति ने चाकुओं से गोदकर पत्नी की हत्या की, अवैध संबंधों के शक में हत्या। गाजियाबाद में फाइनेंसर धीरज की हत्या में अहम खुलासा, धीरज ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए रिकॉर्ड किया था वीडियो, वीडियो में उन लोगों का नाम जिन पर हत्या करने का था अंदेशा। सुपौल में घर में फंदे से लटका मिला महिला का शव, महिला का पति फरार, लड़की ने घर वालों पे लगाया हत्या का आरोप। गया में नाबालिग से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के भाई को पीटा, लड़के को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। दिल्ली के बड़पुर गांव में शमशान घाट के पास मिली 3 जली हुई बाइक, पहले भी शमशान घाट के बाहर मिली थी जली हुई बाइक, पुलिस जांच में जुटी। आज केंद्र कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, 7वें वेतन आयोग को लागू करने के फैसले पर कैबिनेट की लग सकती है मुहर। सूत्रों के मुताबिक आयोग की सिफारिशों को ज्यादा बढ़त के साथ मिल सकती है मंजूरी, 20% बढ़ोतरी की उम्मीद। वेतन आयोग ने नवंबर में सौंपी थी अपनी सिफारिश, सरकार के फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों को होगा फायदा। संसद के मॉनसून सत्र का कार्यक्रम तय करने के लिए आज CCPA की बैठक, जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है सत्र। सरकार का मॉनसून सत्र में GST विधेयक के पास होने की उम्मीद, क्षेत्रीय दलों का मिल सकता है साथ। एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी से केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू नाराज, कहा करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद लौटे घर, बोले छूट गई अहम बैठक। पायलट के नहीं पहुंचने से फ्लाइट में हुई देरी, वेंकैया नायडू ने एयर इंडिया से मांगा जवाब, ट्वीट किया जरूरी है जवाबदेही और पारदर्शिता। वेंकैया नायडू की नाराजगी के बाद एयर इंडिया ने दी सफाई, ट्रैफिक जाम में फंसा था पायलट, जांच के आदेश। गोवा मिशन पर अरविंद, केजरीवाल, पंजी और वास्को में की मछुआरों से मुलाकात, 40 में से 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत का किया दावा। गोवा में बीजेपी पर हमला, बोल रहे केजरीवाल सरकार के खिलाफ, दिल्ली में पानी को लेकर प्रदर्शन, त्रिलोकपुरी में बाल्टी लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं, आप विधायक के दफ्तर का घेरा। एनर्जी में चीन की भारत विरोधी भूमिका को लेकर स्वदेशी जागरण मंच का विरोध, दिल्ली में चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन। देहरादून में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों पर पुलिस ने भांजी लाठी, नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। सुधेंद्र कुलकर्णी के कार्यक्रम में शिवसेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा, पाकिस्तानी फोटो पत्रकारों के विरोध में खोला मोर्चा। नहीं बढ़ेगी काले धन को सार्वजनिक करने की डेडलाइन, बैंकों और उद्योग समूहों ने वित्त मंत्री से मांगी थी मोहलत, पीएम ने खींची है 30 सितंबर की डेडलाइन। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने तैयार किया प्रस्ताव, रायबरेली और अमेठी के बाहर भी प्रचार कर सकती हैं प्रियंका। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, हिजबुल का कमांडर था समीर वानी। आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद बड़ा तनाव, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों और पुलिस पर किया हमला। सुपौर का रहने वाला था हिजबुल कमांडर समीर वानी, गांव वालों का भड़का गुस्सा, लाश लेकर पहुंची पुलिस वैन में लगाई आग। LOC के करीब नौगाम में घुसपैठ की खबर के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, इलाके में सेना के चलाया सर्च ऑपरेशन। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी का एक और वीडियो वायरल, आतंकियों के साथ खेलता दिख रहा है क्रिकेट। दुबई से मुंबई आ रहे एक विमान में एयर होस्टेस से एक मुसाफिर ने की बसुलू की, रोकने पर प्लेन के टॉयलेट में जाकर पी सिगरेट, पुलिस ने अबू बकर को किया गिरफ्तार। सूरत के सहारा दरवाजा इलाके में पार्किंग को लेकर 2 गुटों में झड़प, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उदयपुर के
दुद्धतलाई इलाके में तलवार लेकर एक शख्स ने मचाया उत्पात, दुकानदार को धमकी देने के बाद हुआ फरार। सूरत में ऑटो चालक ने गर्भवती महिला से की जबरदस्ती की कोशिश, मारपीट के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में महिला को अगवा कर गैंगरेप, महिला के परिचित पर आरोपी फरार। राजसमंद में एक ज्वेलरी शॉप से सोना चुराने की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने, एक महिला और पुरुष ने दिया वारदात को अंजाम। सीआरपीएफ के इंटेलिजेंस ब्रांच ने हावड़ा में रेल टिकट की जालसाजी करने वाले शख्सों के गिरफ्तार, लैपटॉप और दूसरे दस्तावेज जब्त। अहमदाबाद में सीनियर सिटीजन और विधवाओं को पोंजी स्कीम के नाम पर करोड़ों का चूना, 24% ब्याज का वादा कर गायब हुई कंपनी। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी अस्पताल में लापरवाही की इंतहा, ऑपरेशन के बाद कटे अंगों को नोच कर खाते दिखे कुत्ते। असम के नौगांव में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, पुलिस ने अफीसुद्दीन नाम के ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार। जयपुर राजभवन में महिला के साथ दुष्कर्म, राजभवन में कार्यरत स्टोर इंचार्ज के पद पर कार्यरत कर्मचारी पर आरोप, महिला भी राजभवन की कर्मचारी। यूपी के आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में सफाई कर्मचारी लगाता है मरीजों को टाका, डॉक्टरों के लापता रहने पर करता है इलाज। मामला सामने आने के बाद अस्पताल के सीएमएस ने जांच का दिया भरोसा। उड़िया फिल्मों और सीरियल के लोकप्रिय हास्य अभिनेता और बीजू जनता दल के नेता तत्व प्रकाश सतपति के खिलाफ नाबालिग के यौन शोषण का आरोप, केस दर्ज। सतपति उर्फ पप्पू के खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग ने दर्ज कराई शिकायत, शिकायत के बाद पप्पू पंपम फरार, एक हीरोइन ने भी दर्ज कराई शिकायत। जयपुर में सूदखोरों से परेशान बिजली विभाग के मीटर रीडर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा प्रधानमंत्री जी मेरे अच्छे दिन नहीं आए। खुदकुशी से पहले कार में बैठकर लिखे सुसाइड नोट, मृतक रमेश अग्रवाल को अच्छे कामों के लिए सीएम ने किया था सम्मानित। जयपुर के अस्पताल में 3 साल की बच्ची से रेप का आरोपी अलवर से गिरफ्तार, महाराष्ट्र से काम की तलाश में आई थी बच्ची की मां। पश्चिम बंगाल के मालदा में 13 साल के बच्चे की लाश मिलने से हड़कंप, अगवा करने के बाद हत्या, लोगों ने विरोध में किया जाम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्लेटफॉर्म से चोरी हुई 2.5 साल की बच्ची, सीसीटीवी में दिखा बदमाश। बच्चा राय के कॉलेज को विजिलेंस की तरफ से मिली थी क्लीन चिट, आज तक के पास विजिलेंस के क्लियरेंस की कॉपी। आज दिल्ली दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में करंट लगने से छात्र की मौत, कूलर में आ रहे करंट के चपेट में आया था छात्र। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में 2010 में गायब हुआ बच्चा बांग्लादेश के शेल्टर होम से मिला, पुलिस बच्चे को वापस लाने की तैयारी में जुटी है। मुंबई के पास भिवंडी में रमजान के दौरान बकरियों की चोरी के मामले बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हुई बकरी चोरी का वीडियो, पुलिस कर रही है जांच। थाने में कैश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दफ्तर से 12 करोड़ की लूट, अज्ञात हथियारबंद बदमाश ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में जेल में बंद दो मुजरिमों ने रची हत्या की साजिश, सुपारी देकर करवाया विरोधी का मर्डर, पुलिस ने दबोचा। मेरठ के गंगानगर में घर से बुलाकर टीचर की हत्या, पैसे के लेन देन में वारदात का शक। सामने आया मुंबई लोकल की छत पर चढ़कर स्टंट करने वाले युवक का वीडियो, मोबाइल में कैद भी तस्वीर। दिल्ली में 20 सड़क चले लात और घूसे, एक दिन पहले हुई रोडरेज की वारदात, सीसीटीवी में कैद। मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली जमानत, मुंबई के मकोका कोर्ट ने खारिज की याचिका। जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका डालेगी साध्वी प्रज्ञा, पिछले 8 सालों से भोपाल की जेल में कैद है मालेगांव धमाके की आरोपी। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंची यौन शोषण के आरोपी आसाराम, हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है बीमारियों की जांच। गैंगस्टर कुमार पिल्लई को 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत, सिंगापुर में गिरफ्तारी के बाद लाया गया था मुंबई। हत्या और वसूली के 8 मामलों में मुंबई पुलिस को थी कुमार पिल्लई की तलाश, फरवरी में सिंगापुर में हुई थी गिरफ्तारी। कानपुर में पेंट कारोबारी पर जानलेवा हमला, पुलिस को आपसी रंजिश में फायरिंग का शक। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 5 युवकों की जान पर भारी पड़ा रेसिंग का शौक, सामने आ रही वैन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। जोधपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पुलिस वालों की दादागिरी, नशे में धुत सिपाहियों को लिफ्ट नहीं दी तो जमकर पिटाई। कोलकाता में नशे में धुत 4 लोगों पर पुलिस पर हमले का आरोप, पुलिस का दावा सार्वजनिक जगह पर शराब पीने से मना करने पर भड़के थे आरोपी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई, लड़की के परिवार वालों पर हवाई फायरिंग करके भाग रहा था युवक।
मध्य प्रदेश के मंडला में अचानक आई बाढ़ में 5 गाड़ियां डूबी, गाड़ियों में सवार लोगों ने किसी तरह बचाई अपनी जान। राजस्थान के प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, हादसे में 5 अन्य घायल। उत्तराखंड में अगले 72 घंटों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, कुमाऊं और गढ़वाल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। चमोली केदारनाथ हाईवे पर गंगोल गांव के पास बड़ी पहाड़ी टूटने से बंद हुआ रास्ता, दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों यात्री फंसे। जम्मू कश्मीर में बढ़ते प्रदूषण का असर, शेषनाग और सोनमर्ग इलाके में हर साल 8 से 10 मीटर पिघल रहे हैं ग्लेशियर। झारखंड के बरखटा में विधायक जानकी यादव के खिलाफ केस दायर करने वाली महिला नेता को धमकी, विधायक पर दबाव डालने का आरोप। यूपी के मिर्जापुर में गंगा के बीच टापू में फंसा गजराज, नदी में नहाने के लिए ले गया था महावत। राजस्थान के टोंक में पैंथर के हमले में पिता पुत्र घायल, वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइज कर पैंथर को कब्जे में किया। देहरादून में स्थायी किए जाने की मांग को लेकर सचिवालय जा रहे संविदा कर्मचारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई कर्मचारियों को आई चोट। कटिहार में मनिहारी गंगा घाट में नाव चालकों ने 3 दिन से स्टीमर्स को बना रहा है बंधक, अपने मालवाहक जहाज चलाना चाहते हैं नाव चालक। आज से बैंगलोर में लगेगा टीम इंडिया का कैंप, मिशन वेस्टइंडीज के लिए 6 दिन चलेगा शिविर। टीम इंडिया के उपकप्तान अचिंक्य रहाणे ने वेस्टइंडीज को बताया अच्छी टीम, कहा कैरेबियन टीम को हराने के लिए बढ़िया खेलना होगा। न्यूजीलैंड के भारत दौरे की तारीखों का ऐलान, 22 सितंबर से कानपुर में होगा पहला टेस्ट। विराट कोहली ने खोला फिटनेस का राज, कहा आईपीएल 2012 के बाद बदला फिटनेस पर नजरिया, इतना फिट पहले कभी नहीं रहा। टीम इंडिया के कोच पद की होड़ में पिछड़ने पर सौरव गांगुली पर बरसे रवि शास्त्री, इंडिया टुडे से कहा मेरे प्रति गांगुली ने दिखाया असमान। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में सिल्वर जीतने पर टीम इंडिया की रैंकिंग में उछाल, 2 पायदान चढ़कर 5वें नंबर पहुंचा भारत। ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज कैरी हॉब्स को पछाड़ने के लिए सख्त प्रैक्टिस कर रहे हैं विजेंदर, 16 जुलाई को कंगारू बॉक्सर को नॉकआउट करने की जताई उम्मीद। 570 किलोमीटर की द ग्रेट इंडिया रन में दौड़ेंगे मॉडल मिलिंद सोमन, 17 जुलाई को अहमदाबाद से मुंबई तक की शुरू होगी दौड़। विंबलडन के दूसरे दौर में आसानी से पहुंच गई अमेरिका की सेरेना विलियम्स, स्विट्जरलैंड के सादिकोविच को सीधे सेटों में हराया। स्पेन को 2-0 से हराकर इटली यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में, आइसलैंड से हारकर इंग्लैंड बाहर। अलेपो के उत्तरी प्रांत में मजार अल मकलाह में सीरियाई सेना के संघर्ष का वीडियो आया सामने, रूसी एयरफोर्स ने की सीरियाई सेना की मदद। अमेरिका के टेक्सास में 2 मालगाड़ियों की टक्कर के बाद मालगाड़ी में लगी आग, हादसे में 1 शख्स घायल। चीन के हुबेई प्रांत में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, पानी के तेज बहाव के बीच फंसे एक टैक्सी चालक को राहत दल ने बचाया। नासा ने डीप स्पेस रॉकेट के लिए सबसे ताकतवर और बड़े बूस्टर का परीक्षण किया, इसे दिया गया स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इसराइल से गाजा पट्टी से नाकाबंदी हटाने को कहा, इसराइल ने कहा था कि वो गाजा पट्टी पर नेवल ब्लॉकेट जारी रखेगा।